हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे असम से जिन्होंने असम टेट 2019 के लिए फॉर्म भरे हैं उन सभी को यहाँ पे करेक्शन की अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है और यहाँ पे आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं और कौन कौन करेक्शन कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिंक वन या लिंक टू में क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे लिंक वन में ही क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ओपन हो के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप ये जो पॉइंट है और यहाँ पे आपको केयरफुली इन पॉइंट को बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है और ये, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर फिजिकली चैलेंज, यानी जो PWD वाले हैं उन सभी को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की चांस दिया गया है और बाकी किसी को यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आप करेक्शन कराना चाहते हो तो लॉग इन वाले यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, साथ में आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लॉग इन वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लॉग इन वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो पेज है वह आपके सामने ओपन होके आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे तो ये ऑप्शन भर लिया है, उसके बाद आपका मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर देना होगा, और अगर आप ऑडियल से हो तो ऑडियल देना होगा। उसके बाद आपको डेट मंथ और ईयर यहाँ पे ठीक ठाक भरना होगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो आप जिस इंस्टीट्यूशन से आपने DLED किया उसका नाम यहाँ पे देना होगा, और अगर आप NIS से हो तो NIS देना होगा, और या तो आप SCRT से हो तो SCRT देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एडमिशन स्लिप है या रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पे देखकर चूज फाइल वाले ऑप्शन में उसको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे आप सभी को एक बात जानना होगा कि आपका फोटो डॉक्यूमेंट के साइज 200 KB से नीचे होना होगा, और वेट यहाँ पे 400 पिक्सल होना होगा, और हाइट यहाँ पे 600 पिक्सल, और जो डॉक्यूमेंट होगा वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना होगा। तो ऐसा ही आप उसको आसानी से अपने घर बैठ बैठ के ये इस काम को कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ पैसा भी देना नहीं होगा। अगर आप किसी साइबर कैफ में जाकर करें तो जिसकी जगह से या जिससे आपने ऑनलाइन किया था उसके पास जाकर अपने ये डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी तरह की कुछ पैसा भी नहीं देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कैसे करना है, कैसे सारी जानकारी आपको बढ़ना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को आसानी हो और सभी इस बारे में इंफॉर्मेशन पाए और यहाँ पे अपने करेक्शन करा सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और आसानी में मिल जाए। धन्यवाद।